आज 30 अप्रैल पिछले 24 घंटा में साउथ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट, साउथ कोस्टल का गजपति और नॉर्थ इंटीरियर का केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश से मिला है नुआगरा गजपति डिस्ट्रिक्ट में है 20.0 मिलीमीटर। उसके बाद पाडिया मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है 17.0 मिलीमीटर। श्यामपाटना 15.6 मिलीमीटर केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। आर उदयगिरी 14.2 मिलीमीटर गजपति डिस्ट्रिक्ट में है। कोलागढ़ 11.2 कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है। कोरापुट 9.4 कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। और कोरापुट में हमारा कुआ पत्थर भी गिरा है, छोटा छोटा क्या कोरापुट पर गिरा है। 15 मिनट्स के लिए था कल आफ्टरनून टाइम में। अभी हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है पिछले 24 घंटा में सोनपुर में 43.1 और 42 एंड अबव था टिटलागढ़ 42.6, बौद्ध 42.5, बोलांगीर 42.2, सुंदरगढ़ भवानीपटना फोर्थ प्लेसेस में 42.0। बट अभी ये सब एरिया में नॉर्मली टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, 42 इस रेंज में रहते हैं। तो हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अभी स्वाभाविक का आसपास ही टेम्परेचर है। अगला 5 दिन के लिए अभी जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग सभी दिन ही रहेगा हमारा उड़ीसा का कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में। बट अभी ग्रेजुअली अगला 5 दिन का अंदर ग्रेजुअली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मेनली हमारा थर्ड एंड फोर्थ में कोस्टल उड़ीसा एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एरिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग एक्टिविटी हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में होने का चांसेस है। और उसका पहले हमारा 30th आज नेक्स्ट 24 आवर्स में मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल सुंदरगढ़ केंदुझर मयूरभंज जाजपुर बालासोर भद्रक बौद्ध अंगुल ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइटनिंग होने का चांसेस है। कुआ पत्थर भी गिर सकता है मेनली मलकानगिरी गजपति कंधमाल मयूरभंज ये सब एरिया में। फिर कल हमारा फर्स्ट में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा मेनली मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम नवरंगपुर नवापारा कालाहांडी कंधमाल मयूरभंज केंदुझर जाजपुर बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा सुंदरगढ़। अभी आज और कल थंडरस्टॉर्म का साथ लाइटनिंग गस्ती सर्फेस विंड 30-40 होने का चांसेस है। फिर डे 3 में विंड स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करने का चांसेस है, 40-50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। डे 5 में भी 40-50 किलोमीटर तक जा सकता है। और डे 3 में मेनली साउथ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एरिया में होने का चांसेस है, बाकी एरिया में एक दो जगह करके होगा। और डे 4 डे 5 में कोस्टल उड़ीसा एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में थ्री प्लेसेस में होगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके होने का चांसेस है। डे 4 डे 5 में ज्यादा एरिया में कोस्टल उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। इसमें 40-50 गस्ती सरफेस विंड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रेनफॉल हल्का से मध्यम होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मेनली साउथ इंटीरियर का हमारा 3 तारीख को जैसा मलकानगिरी कोरापुट गजपति ये 3 डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में हो सकता है। 4 तारीख में मयूरभंज गजपति मलकानगिरी ये 3 डिस्ट्रिक्ट का अंदर में होने का चांसेस है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 2 दिन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और एक वजह से फिर टेम्परेचर 2 दिन का बाद फिर इंटीरियर उड़ीसा में भी कोस्टल उड़ीसा इंटीरियर उड़ीसा में भी कुछ मोस्ट प्लेसेस में 2-3 डिग्री तक कम होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज टेम्परेचर 38-39 के आसपास रहने का चांसेस है। पटली क्लाउडी स्काई आफ्टरनून का तरह होने का चांसेस है। थंडर एक्टिविटी भी चांसेस है। मेनली भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा 3-4 उस समय बारिश होने का चांसेस है, उसका पहले थंडर एक्टिविटी होने का चांसेस है।